आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं श्रमित चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से, जहां पर डोकिया गांव में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के शिकार लोग बारलिंग में तापती नदी पर पूजा करने के लिए जा रहे थे। हादसे में 3 लोगों की मौत के साथ साथ 24 घायल हो गए हैं। घायलों ने बताया कि ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ये हादसा हुआ। ये बारलिंग मेला जा रहे थे तो इसमें दुर्घटना हो गई, और दुर्घटना में मेन कारण रोड खराब हो, और दूसरा इतना डाउन रोड है वो कि जहाँ पे गाड़ियाँ अनबैलेंस हो ही जाती हैं। इसके पहले भी कई दुर्घटना हो चुकी है। इतना डाउन रोड है कि जिसके कारण दुर्घटना संभव है। ट्रैक्टर ट्राली पलटने के घायल लोग आए, और उसमें 27 लोग आए थे, जिसमें से 3 की डेथ हो गई और 2 लोग सीरियस हैं। और इस वक्त हमारे संवाददाता मनोज देशमुख फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं बैतूल से। मनोज, डोकिया गांव में ये हादसा हुआ है, फिलहाल क्या आंकड़े आ रहे हैं वहां से? जी श्रमिक जी, बताना चाहेंगे ये जो कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर 2 मुख्य नदियां हैं, ताप्ती और पूर्णा नदी करके। यहाँ पे हर साल प्रतिवर्ष इस दिन मेला लगता है। कितने लोग अभी तक घायल हुए हैं? जी इसमें लगभग 24 लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों की रात में ही मौत हो चुकी थी। जी घायलों की स्थिति फिलहाल कैसी है? अभी सामान्य स्थिति में है। डॉक्टरों से हमारी चर्चा हुई थी रात में, बोले सभी लोग सामान्य हैं। जी, और ये जो कुछ जो पैसेंजर्स हैं, जो ये लोग थे जो घायल हुए हैं, इनकी बात हमने सुनी, ये कह रहे थे कि वहाँ पर हादसे आम तौर पर होते रहते हैं, तो वो रास्ता कैसा है, जरा उसके बारे में बताइए। जी स्वामी जी, ये जो रास्ता है ये प्रधानमंत्री सड़क बना हुआ है जी, और ये जो सड़कें बनी हुई है यहाँ पर ना तो कोई मेजरमेंट है, ना किसी इंजीनियर की देखरेख में बनी है। ये जो सड़कें बनी है पटांग टाइप से उबड़ खाबड़ बनी हुई है। कहाँ पे ब्रेकर देने चाहिए, कहाँ पेचिंग वर्क होना चाहिए, कहाँ स्लिम रहना चाहिए, इस टाइप से कोई इन बातों का कहीं भी ध्यान नहीं दिए गए, और एकदम से खाई जैसे बना दिए गए, जहाँ अक्सर ट्रैक्टर ट्राली पलट जाते हैं। जी श्रमिक जी, जी वहाँ पर अधिकतर जो व्हीकल्स हैं वो पलट जाते हैं, तो प्रशासन के नॉलेज में ये बात होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई जब वहाँ पर इतने हादसे होते रहते हैं? जी श्रमिक जी, प्रशासन के नॉलेज में तो पूरी बात है, मगर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो और भी शायद हो सकता है किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हो। जी, बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है, कहने का मतलब ये कि लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। और ये इस दुर्घटना में जितने भी लोग घायल हुए हैं उनका फिलहाल इलाज किस तरीके से चल रहा है? जी सारे घायलों को जिला अस्पताल में तुरंत भर्ती करवा दिया गया था, जहाँ पर डॉक्टरों की पूरी टीम ने उनका बाकायदा इलाज किया, और सभी घायल गंभीर स्थिति से बाहर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज देशमुख। तो सड़क हादसे में यहाँ पर 3 की मौत हुई है और 24 घायल हुए हैं। सीधे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही, क्योंकि रास्ता ही वहाँ पर खराब है, इस वजह से वहाँ पर हादसे होते ही रहते हैं। गरीबों को केंद्र सरकार अब